आपकी आर ओ प्यूरीफायर में ये जो एस बी होती है बार बार ख़राब हो रही है, तो इसका आपका क्या सलूशन है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो के साथ पूरे बना रहिएगा। और दोस्तों इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे बन चुकी हैं, तो वो भी जाके आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ऐसी ही दोस्तों लगातार हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि ऐसी बहुत सारी और वीडियो आपको हमारी रेगुलर मिलती रहे। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा स्पेशल वीडियोस और स्पेशल पोस्ट देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ओनली 29 रुपये पर मंथ का खर्चा है। तो उसमें आपके लिए वो स्पेशल वीडियोस और स्पेशल पोस्ट आपको मिलेंगे जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। थैंक यू। तो आपका स्वागत है हमारे टेक्निकल अप्लाई से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एस वी के बारे में। ये दोस्तों आर ओ प्यूरीफायर में एस वी का यूज़ होता है। इसका दोस्तों मेन काम ये होता है कि ये पानी को बंद और चालू करती है। तो दोस्तों काफ़ी तरह की एस वी मार्केट में आती है। तो दोस्तों काफ़ी तरह की जो मार्केट में एस वी आती है, उसमें से दोस्तों हमने तीन तरह की एस वी ली है। ये दोस्तों कैंट में यूज़ होने वाली एस वी है, ये दोस्तों नॉर्मल हमारे आर ओ प्यूरीफायर में यूज़ होती है हीरो की एस वी, और ये दोस्तों ये भी नॉर्मल हमारे प्यूरीफायर में यूज़ होती है एस एल एस की एस वी। तो दोस्तों तीनों में रिजल्ट किसका बढ़िया है इसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं कि कौन सी एस वी आपके प्यूरीफायर के लिए बेस्ट रहेगी, जिसकी लाइफ लगभग 5 साल के आसपास आपकी एस वी चलेगी और कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं आने वाली है। तो उसमें आपको थोड़ा सा मैं ये दोस्तों कैंट की एस वी है, इसकी भी लाइफ ठीक ठाक है, ये लगभग आपकी 2.5 से 3 साल चलती है, इससे ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं है। और ये लेकिन इसको इसका फ़ायदा ये है इसको हम खोल के आसानी से साफ़ कर सकते हैं, अगर इसमें कोई कचरा वगैरह आ जाता है तो यहाँ हमने स्क्रू को खोलकर इसको साफ कर सकते हैं और आसानी से इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो मैं अलग से एक बनाऊँगा इसको रिपेयर करने की, तो वो हमारे आप चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताजो ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे, जिसका हम इसका आने वाली वीडियो में इसको खोल के चेक करवाएंगे कैसे इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। इसका दोस्तों एस वी का फ़ायदा ये है कि इसको खोल के वॉश करना आसान है। और सेकंड दोस्तों ये हीरो की एस वी है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एस वी है जो हमारे लोकल प्यूरीफायर में यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली एस वी और सबसे कम दाम में ये मिलती है एस वी, इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसकी दोस्तों मार्केट में कीमत 70 से 80 रुपये मिलती है, इसमें आपको 70 रुपये या 80 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगी, और इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। लेकिन दोस्तों ये इसकी जो क्वालिटी है बहुत हल्की क्वालिटी है, काफ़ी जल्दी ये ख़राब भी हो जाती है। और नेक्स्ट दोस्तों ये हमारे एस एल एक्स की एस वी, ये दोस्तों एस वी बहुत ही बढ़िया है, तो आप आर ओ प्यूरीफायर में से यही एस वी लगाएँ, क्योंकि ये एस वी कभी ख़राब ही नहीं होती है, जितनी भी हमने आर ओ वी आज तक लगाई है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, एस वी में कंप्लेंट आती नहीं है बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, SLC 2 लिखा है, और यहाँ पे दोस्तों इसका इसमें डुप्लीकेट भी एस वी काफ़ी आती है, तो आपने जब भी एस वी ख़रीदनी है तो इसका अपने नीचे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे इस पर इसके प्लास्टिक पे भी SLX लिखा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप अगर आप ध्यान से इसको चेक करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे आ जाए लिखा, यहाँ पे दोस्तों इस पर लिखा होता है इस जगह पर, ये दोस्तों कलर सेम है इसलिए क्लियर नहीं आ पा रहा, तो शायद आ जाए कैमरे के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे हल्का सा SLX लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जब भी आप इसको एस वी को ख़रीदें तो आप नीचे इसके SLX लिखा हुआ देख लें, ये दोस्तों कलर सेम है इसलिए कैमरे में नहीं आ रहा, लेकिन इसके ऊपर SLX लिखा हुआ है। तो ये एस वी दोस्तों बहुत ही शानदार है, ये कभी भी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो ये इसमें दोस्तों वेट में भी काफ़ी डिफरेंस होता है, ये दोस्तों काफ़ी हल्की एस वी है, ये ऐसे हैवी एस वी है, तो इसका मैं आपको वेट भी चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल है जिस पे 0 ग्राम आ रहा है, तो हम इस एस वी का वेट देखेंगे, 95 ग्राम की एस वी है जी। और अब SLX की एस वी का वेट देखेंगे, 115। तो दोस्तों 20 ग्राम इसका एक्स्ट्रा वेट है, क्योंकि इसके जो अंदर जो कॉपर वायर होती है वो काफ़ी हैवी कॉपर वायर डाली होती है, क्योंकि दोस्तों ये जो एक सॉलिनाइड वाल होता है ये कॉपर की वायर से बनता है, तो इसके अंदर जो कॉपर वायर है वो हैवी है और 20 ग्राम इसका वेट भी ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो कॉपर वाइट हैवी होने की वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होती।
तो हमेशा आप यही एसबी यूज करें अपने आरओ में, ताजो आपकी बार बार जो एसबी की प्रॉब्लम आती है वो बार बार नहीं आएगी और आपका आरओ बिल्कुल सही चलता रहेगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इस वीडियो को देखने का आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये एसबी मंगवाने के लिए लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।